कि पूरा साल अगर कोई टीचर मोटिवेट भी कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर के नाम से मोटिवेट नहीं करता है, वो करता है कि आप IITian बनोगे, ठीक है, आप IITian बनने वाले, IIT के नाम से मोटिवेट करेंगे, और जब एग्जाम आने लगेगा तो और तुम्हारा किस टाइप का डिप्रेशन था और किस लेवल तक वो तुमको अफेक्ट किया? डिप्रेशन हम दो चीज में अपना कैटेगराइज करेंगे, एक तो जो बहुत सारे सक्सेसफुल IITians की स्टोरी तो हमने काफी बार सुनी है, बट इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू टॉक विद समृद्धि, हु एज अ JEE एस्पिरेंट वेंट थ्रू इंटेंस स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन, जो कि काफी सारे JEE एस्पिरेंट्स के साथ होता है. हाउ वॉज शी एबल टू क्योर इट, और क्या क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से इस लेवल के डिप्रेशन से उसे गो थ्रू करना पड़ा, ये हम जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट में. एंड आर होस्ट इज गोइंग टू बी विद्या, हु इज़ अ IIT खड़गपुर अंडर ग्रेड. दिस पॉडकास्ट इज एक्सेप्शनली माई पर्सनल फेवरेट, बिकॉज जो बातें हमने यहाँ पे करी हैं वो रेयरली कोई खुल के आके करता है, और हर एक JEE एस्पिरेंट को और उनके पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए. ऑल राइट, सो हियर वी बिगिन. समृद्धि, ये बताओ कि जैसे हर JEE एस्पिरेंट जो क्वालिफाई कर ले चाहे नहीं करे, उसकी एक अपनी स्टोरी होती है और वो यूनिक होती है. वो ऐसा नहीं है कि सबकी सेम स्टोरी, नहीं, सबकी यूनिक एक स्टोरी होती है. तो तुम्हारी स्टोरी में क्या यूनिक है, तुमको क्या लगता है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करो. मेरी स्टोरी में यही यूनिक था कि मतलब मेरा माइंडसेट बहुत अलग रहा है पूरे प्रिपरेशन के टाइम में. हम मतलब 75% ऑफ द टाइम हम डिप्रेशन में, ओवरथिंकिंग में, स्ट्रेस में रहते थे, और जैसे मेरा प्रिपरेशन 2-3 साल का, मतलब हम ड्रॉप लिए हुए थे 12th के बाद, ड्रॉप करके गए थे, तो जब खत्म हुआ, जब हम कॉलेज आए, उसके बाद मेरा जो माइंडसेट पूरा चेंज हुआ है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का बहुत अंतर है. जैसे कि जैसे ये कि पहले हम मतलब जैसे हम पहले रियलिटी से बहुत डिस्कनेक्टेड रहते थे, अपने आप को एक बॉक्स में बंद करना होता है ना, और वो चीज हम लगता भी नहीं था कि वो चीज गलत है, हमको लगता था सही है. हम कम मूवीज देख रहे हैं, हम सीरीज को नहीं देख रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट अगर नहीं हो रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि अच्छा हम घूमने नहीं जा रहे, हम दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करने जा रहे हैं, इधर उधर घूमने रहे, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, अपने आप को बॉक्स में बंद रखने से बहुत खुशी होता था. बट अभी लगता है कि नहीं, सब चीज को एक बैलेंस लेकर के चलते हैं, तो वो डिप्रेशन वाला जो चीज है वो आता ही नहीं कभी. लेट्स टेक अ 30 सेकेंड पॉज एंड लिसन टू वॉट आई हैव टू ऑफर. जिस भी JEE एस्पिरेंट का रिसेंटली JEE मेन्स का एग्जाम आने वाला है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू. आई विल बी टेकिंग अ लाइव सेशन ऑन 24th ऑफ अक्टूबर 8:30 PM, जहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आखिरी के टाइम में तुम सेलेक्टिविटी मेंटेन कर सकते हो और क्या क्या फालतू की चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं करनी है. मेजरली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि कैसे अपने को रिवाइज करना है, क्या क्या रिसोर्सेज है जो हम रिविजन के लिए चूज़ कर सकते हैं, अगर नोट्स नहीं बना रखे हैं तो क्या करना है, नोट्स बना रखे हैं तो क्या करना है, और रिविजन को कितना टाइम कब देना है. हर JEE एस्पिरेंट की प्रिपरेशन अलग अलग होती है, तो डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे मॉक स्कोर की रेंज क्या है, मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने वाला हूँ. हर चीज़ लॉजिकली बैक्ड होगी एंड आई थिंक दैट एवरी वन ऑफ यू मस्ट अटेंड दिस सेशन. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. पॉडकास्ट को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना और मेरी इस अजीब सी फोटो के नीचे नोटिफाई मी वाले बटन पर क्लिक कर देना, जिससे तुम भूल ना जाओ और हम तुम्हें नोटिफाई कर दें अपने एंड से. ऑल राइट, अब शुरू करते हैं. अच्छा, तो एक चीज़ तो तुमने बोला रियलिटी से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, इसको थोड़ा बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? रियलिटी से डिस्कनेक्टेड रहना मतलब कोई भी JEE एस्पिरेंट जो कोचिंग में है या जो घर से भी तैयारी करना है, उसको टीचर्स लोग भी क्या बताते हैं कि अगर आज आप इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर एक मूवी देख रहे हैं तो आपका इतना रैंक पीछे हो रहा है, ठीक है, वो चीज हम नहीं बोलेंगे कि किसी स्टूडेंट को करना चाहिए. क्या करना चाहिए, मूवी भी देखो, सीरीज भी देखो, लेकिन सिंस हमको एग्जाम देना है, हमको उसमें अच्छा मार्क्स लाना है, तो हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक है. और एक रियलिटी से डिस्कनेक्ट ये सबसे बड़ा चीज होता है कि जो JEE एस्पिरेंट होते हैं वो IITians को, NITians को एक हायरार्की के साथ देखते हैं, मतलब भाई का IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस ब्रांच में है और जो NIT का सिविल में है या IIT बॉम्बे का भी सिविल में, तो उसको एक रिस्पेक्ट का जो लेवल होता है ना, ऊपर से नीचे डिग्रेड करता है, वो चीज नहीं होना चाहिए. क्योंकि क्या हुआ है, हमको जब कॉलेज मिलने लगा और जो और भी दोस्तों को कॉलेज मिलने लगा, तो हम ऐसा ऐसा मतलब मेरा दोस्त को देखे कि इतना तैयारी किया है, जो IIT में जा रहा है और जो NIT में जा रहा है, NIT में जाने वाला IIT से इतना ज्यादा तैयारी किया था, बट वो 3 घंटा में वो अपना आउटपुट नहीं दे सका, तो वो नहीं जा सका.
बट स्टूडेंट क्या करता है कि आईआईटी वालों को ज्यादा रिस्पेक्ट देना, एनआईटी वालों को नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा नजर से एकदम नहीं देखना चाहिए सबको, और प्राइवेट कॉलेज वालों को तो कोई डिस्कशन में लेता ही नहीं है, ये चीज, ये सब चीज नहीं होना चाहिए सही बस। बात, मतलब सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना है, सबने कुछ ना कुछ किया है, भले उसमें जो भी रिजल्ट रहा पर उसका स्ट्रगल इटसेल्फ एक रिस्पेक्टफुल चीज है। ठीक है, तो ये तो काफी अच्छी चीज लगी हमको भी। और सेकेंड चीज जो तुमने बोला मूवी देखने वाला, तो लाइक यहाँ पे भी आईआईटीज में भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मूवी के बहुत बड़े शौकीन हैं। लाइक उनको सारा पता है अगली सीरीज की आएगी, जेई टाइम में भी देख रहे थे। बट वही चीज है कि अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इतना भी नहीं हो जाएगी अपनी पढ़ाई को आप छोड़ दें, है ना। ये बात बस तो तुम्हारी एक बिल्कुल सही रूटीन, है। मतलब अपना लाइफ जीना है, अपना लाइफ जीना यस है, ये नहीं करना है कि हमको, अच्छा हमको ये मूवी देखना है, कोई बात नहीं हम 2 साल बाद देखेंगे, जब आईआईटी में चल जाएंगे ना तब देखेंगे, ये चीज नहीं करना है, टाइम निकाल करके देख लेना है, क्योंकि क्या पता 2 साल बाद मेरा उस मूवी में, वो चीज में, घूमने फिरने में इंटरेस्ट रहे ना रहे, इंटरेस्ट इंसान का इंटरेस्ट, चेंज होते रहता है, आपका टाइम तो निकल जाएगा, लाइफ निकल जाएगा। सही बात है बिल्कुल। और तुमने बताया कि लाइक डिप्रेशन फेज था तुम्हारा, तो उसको थोड़ा इलेबोरेट करो, क्योंकि आजकल लाइक बहुत ही बुरा माहौल हो गया है पूरे जेई एस्पिरेंट्स के अंदर, कि हर कोई इस फेज से जरूर ही जा रहा है। तो तुम्हारा किस टाइप का डिप्रेशन था और किस लेवल तक वो तुमको अफेक्ट किया है? डिप्रेशन हम 2 चीज में अपना कैटेगराइज करेंगे, एक तो जो सही में स्टूडेंट लोग जो कहते हैं कि मेरे कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है वो चीज, और दूसरा जो कंट्रोल में है बट हम लोग अपना माइंड से ओवर थिंक करके पढ़ा देते हैं उसको। एक पहला जो मेरे केस में होता था कि हमको कुछ फील ही नहीं होता था, हमको नंब लगता था कोई भी चीज के लिए, हमको हमको प्रेशर नहीं आ रहा है, एग्जाम का 1 सप्ताह पहले हमको कुछ प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, 2 दिन पहले भी कोई टेंशन नहीं है, हम नंब है सब चीज के प्रति, और एक गिल्ट हो जाना, जैसे हम अगर 2 घंटा टाइम वेस्ट करती हैं तो गिल्ट में और 4 घंटा टाइम वेस्ट कर दिए, ये सारा चीज होता, तो डिप्रेशन के कारण क्या करता है स्टूडेंट, पढ़ाई नहीं कर पाता, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, बैठ करके यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, सीनियर्स लोग से बात कर रहा है, उसका रीजन हमको क्या लगता है, वही दोबारा से घूम फिरा करके रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाना, हमको रीजन लगता है वही रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, इसीलिए हमको नंब फील हो रहा है। अगर हमको पता रहे कि हमको 4 साल बाद कमाना है पैसा, हमको, मेरा अगर ये ड्रीम है तो वो ड्रीम नहीं, मेरा एम है, हमको उस ड्रीम को पूरा करने के लिए इतना पैसा लगेगा, ये चीज होगा, वो चीज होगा, अगर ऐसा मेरा माइंड में रहे तो हमको नंब फील ही नहीं होगा, वही सारा चीज मेरे केस में होता था। हाँ, तो जैसे कि जैसे ये सब चीज सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ, इसको क्या तुम ओवरकम कर पाई थी? और अगर कर पाई थी तो क्या इसका सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है इसका? ओवरकम करना, एक तो जब स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ था जो सब चीज चल रहा था अपना, तो ओवरकम करना स्टूडेंट कैसे चाहता है कि कैसे हम ओवरकम करें, गूगल में सर्च करेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा, टेलीग्राम के ग्रुप्स में पूछेगा, और बहुत सारे डाउट्स आप आज भी देखते होंगे टेलीग्राम पे आते हैं, भैया अगर हम ऐसा कर देते ना तो हमको ऐसा फील होने लगता है, भैया हमको ये, दीदी हमको ये, ऐसा ऐसा होता है, हम कहेंगे स्टूडेंट को कुछ पता नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं रहता, इसलिए पूछता है, पूछो, इन्फॉर्मेशन कम लो, अप्लाई ज्यादा करो, मतलब उसके लिए हम उस चीज से ओवरकम कैसे हुए, रियलिटी से कनेक्ट किए, 10 लोगों के बीच में रहने लगे, जो मम्मी पापा कहते हैं कि सुबह उठो, नेचर में रहो, है ना, नेचर में रहो, वॉकिंग पे जाओ, 10 तरह का चीज करो, अपने आप ये सब चीज खत्म हो जाएगा, शांत रहेंगे, सोचते रहेंगे उस चीज के ऊपर तो वो लगते रहेगा, वो स्टूडेंट को लगेगा कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है, डायरीज में लिखते थे हम, डायरी में अपना लिखते थे, जर्नलिंग करते थे, उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है, बट जितना अपने आप को नेचुरली सही करें उतना और कोई चीज का कंपेरिजन नहीं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक हैवॉक नहीं क्रिएट कर देना अपने अराउंड, कि हमको दिन भर इसी रूम में बंद रहना है, हमको यही करना है। यही लाइक इट्स लाइक 11th एंड 12th, जैसे हमने अभी तक 1 to 10 पास किया, वैसे 11th 12th भी पास हो जाएगा। हाँ, ये है कि कोर्स के अलावा कुछ एडिशनल पढ़ना है, अपने को थोड़ा लेवल बढ़ाना है, पर खुद को बहुत ही आइसोलेट नहीं कर देना, बिकॉज हम खुद को आइसोलेट करेंगे तो हम खुद उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, तुमने बहुत अच्छी बात कही है।
वो और आइसोलेट करने हाँ का ही बोलो बोलो। नतीजा होता है कि हम लोग मतलब माइंड में अलग ही बबल क्रिएट हो जाता है। आइसोलेट करने का के कारण ही ये सब होता है। अगर हम ना करेंगे तो नहीं होगा। क्यों, हम लोगों 10 क्लास में 6 7 क्लास में तो वो सब नहीं होता था, अभी हो रहा है। अगर तो एक तो हार्मोनल चेंज जो टीनेजर्स में होता है, ठीक है वो समझ आ रहा है, बट उसको बढ़ा कौन रहा है, हम लोग का ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है? वो लोग क्या इसको क्रिएट कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट अपने आप से? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। वो लोग जैसे टीचर्स लोग में भी हम लोग नोटिस करते हैं, आप भी नोटिस करते होंगे कि पूरा साल अगर कोई टीचर मोटिवेट भी कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर के नाम से मोटिवेट नहीं करता है। वो करता है कि आप IITian बनोगे, ठीक है आप IITian बनने वाले, IIT के नाम से मोटिवेट करेंगे। और जब एग्जाम आने लगेगा और एग्जाम अच्छा नहीं गया, स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तब फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होता है। IIT में अगर आप नहीं भी गए, NIT में अगर आप नहीं भी गए तो भी क्या ही दिक्कत है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरा माहौल बना करके रखता है उस तरह का, और फिर लास्ट में स्टूडेंट को दोषी देता है, इसीलिए वो चीज। तो अब ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि तुम लाइक तुमको क्या लगता है कि IIT इज नॉट एवरीथिंग, बिकॉज अगर IIT का इतना क्रेज है तो कहीं ना कहीं कुछ तो उसके बेनिफिट्स होंगे, कुछ तो उसके पर्क्स होंगे, तो उसको उतना क्या ये ओवर रेट हो चुका है या फिर कुछ और रीजन है? IIT हम आज भी नहीं कहेंगे या फिर हम कभी नहीं कहेंगे कि IIT को उतना हाइप करना वर्थ इट नहीं है, लेकिन IIT को एवरीथिंग बोलना, IIT नहीं हुआ जिस स्टूडेंट से NIT नहीं हुआ वो चीज करना, उस दम पे हायरार्की क्रिएट करना कि उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा इसको कम रिस्पेक्ट मिलेगा, वो चीज गलत है। IIT का जो एग्जाम होता है, जो JEE एडवांस होता है, जो फिल्टरेशन प्रोसेस होता है, वो वर्थ इट रहता है, स्टूडेंट उस रिस्पेक्ट के लायक है। लेकिन उस चीज में खुद को घुसा देना कि अच्छा ये हमसे नहीं हुआ तो हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकेंगे, ये स्टूडेंट कुछ कर नहीं सकेगा, ये चीज गलत है, ये चीज गलत IIT को सब कुछ नहीं मान लेना कि यहाँ नहीं गए है। तो तो जब फिर उसके भाई बाद खत्म। अगर अगर ऐसा ही बात होता तो फिर IIT से जो मतलब सुने सुने हम कि इस साल में जो सबसे ज्यादा सुसाइड हुआ वो IIT से ही, अभी तक में 6 7 लगभग हो चुका है। तो जब इतना ही वो स्टूडेंट IIT में जाकर के सक्सेसफुल हो गया था तो वो क्यों नहीं वो प्रेशर को हैंडल कर सका, क्यों ऐसा हुआ इसीलिए। और सही बात। इवन IIT में जाने के बाद ज्यादा प्रेशर इंसान पे बन जाता है कि हम मेरा इतना रेपुटेशन बन गया, हमको उसको मेंटेन करना होगा। अगर उस चीज को बैलेंस रखा जाए, अगर रिस्पेक्ट एक लिमिट वे में दिया जाए तो स्टूडेंट के माइंड में वो प्रेशर भी नहीं बनेगा फिर वो। यस, आई कैन कनेक्ट टू इट कि भाई अगर तुम IIT में हो तो तुमसे एक्सपेक्टेशन 10 टाइम्स बढ़ जाती है कि तुम अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो तुम अब सीधे करोड़ों का ही पैकेज लेकर निकलोगे, बट और रियलिटी जबकि उसकी वो बात एक है, ही। और हमको अभी कॉलेज में जा करके, हम ये नहीं कहेंगे हमको 12th में नॉलेज था, हम कॉलेज में आ करके हमको जैसे सुन 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 करके हुआ कि IIT में जाने के बाद ना आपका JEE एडवांस रैंक कुछ मैटर नहीं करता, आपको जो कंपनी आपको लेती है ना कुछ नहीं मैटर करेगा, आपका स्किल पे आधारित है। अब IIT में जा करके हम लोग इंजॉय करने लगेंगे और पता चला प्लेसमेंट लगा ही नहीं, इसीलिए स्टूडेंट के माइंड में और हो जाता है कि हम तो IIT में आ गए थे, अब प्लेसमेंट लग नहीं रहा है तो सुसाइड के रास्ते में चल जाता है फिर बच्चा। ये तो सही बात है कि एक बार अगर आप IIT में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर रैंक मैटर नहीं करता है। अब वहां पे तुम्हारा लेवल 0 हो जा रहा है और फिर तुमको उसको बिल्ड करना है, तुम उसको कहाँ तक ले जाते हो उसके बाद? राइट। और ये IIT में नहीं, हर कॉलेज। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता कि ये लाइन जो वो कहते हैं, मैक्सिमम टीचर्स, हर टीचर नहीं, मैक्सिमम टीचर कहेंगे एक बार IIT निकाल लो फिर तो लाइफ सेट है। पता नहीं क्या लाइफ सोच के सेटिंग। बोलते हैं क्या, IIT निकाल लो फिर ये करते रहना फिर वो करते रहना। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि नहीं IIT में भी स्ट्रगल है, बट मैक्सिमम टीचर्स ये कहेंगे कि IIT निकाल लो फिर तो लाइफ सेट है। बिल्कुल सही बात है, ये मिथ सबसे बड़ा है कि IIT वो निकाल लो कहेंगे सेट नहीं है। तो आई उनका बिजनेस कैसे चलेगा, वो कहेंगे नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। हाँ वो सही है। तो वही बात है कि वहां पे आके फिर वो मिथ तो एक तो टूट जाता है, ये मिथ सबसे बड़ा कि IIT इज एवरीथिंग। इसके अलावा और कोई अपने मिथ बताओ जो कि तुमको JEE एडवांस मतलब देने के बाद और अभी तुम्हारे इस फेज में तुमको लगता है कि JEE के वक्त मुझे लगता था बट रियलिटी समथिंग डिफरेंट, तो वो कुछ शेयर कर पाओ।
एक तो जो ऑब्सेशन होता है आईआईटी के प्रति, आईआईटीज एनआईटीज के प्रति, और वो भी एक डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है कि आईआईटी के प्रति सबसे ज्यादा आपको व्यूज दिखेगा, आईआईटी का टैग अगर रहेगा उसमें एनआईटी का रहे तो उससे कम, ऑब्सेशन बहुत ज्यादा। और हम ये भी करते थे ऑटोमेटिकली, मतलब हम किसी भी आज तक किसी भी एल्डर को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं किए हैं, बट मेरे माइंड में एक रहता था कि आईआईटी वाला है अगर अच्छा तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देना है, एनआईटी वाला है तो उसको कम रिस्पेक्ट देना है, ये चीज। और आई गेस हम ये कहेंगे कि उस टाइम अगर हम कुछ भी थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिए तो उस गिल्ट में ये स्टूडेंट बहुत जाता है कि 2 घंटा अगर टाइम वेस्ट हो गया है तो अब वो गिल्ट में सोचे जा रहा है, वो 1 दिन भी निकाल देगा, 2 दिन भी निकाल देगा, शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रीस्टार्ट करना। बट अभी क्या है, हम उस चीज से क्या सीखे हैं कि अच्छा हम 2 घंटा अगर टाइम वेस्ट कर दिए हैं तो कुछ नहीं, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे हम टाइम वेस्ट कर दिए तो वो हमको कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो बस सोशल मीडिया है, हम उसको चला रहे हैं, वो हमको नहीं चलाएगा। तुम रख दिए फोन, अपना फोन रख दिया, या लैपटॉप पे चला रहे तो लैपटॉप रख दिए, अपना काम कंटिन्यू कर दिए। बट एस्पिरेंट्स में क्या होता है, वो लोग शुरू ही नहीं कर पाते, वो लोग ओवर थिंक करने लगते हैं, वो लोग बैकलॉग का पूरा पहाड़ देखने लगेंगे कि अच्छा हमको ये करना है, ये करना है, कैसे करें, ये सब चीज हमको लगता है मेरे हिसाब से हुआ था। दो बातें तुमने बहुत अच्छी कही। पहली तो ये कि सोशल मीडिया को हम चलाते हैं, सोशल मीडिया हमें नहीं चलाना चाहिए। और दूसरी ये कि अगर आप 2 घंटा टाइम भी वेस्ट कर दिए तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपका फिर दिन ही खत्म हो गया, राइट? उसके बाद भी पूरा दिन पड़ा हुआ है, पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसका मेन रीजन जो है, तुमको क्या लगता है कि ये सब जो चीजें होती है ये हैबिट बन जाती है, राइट? इस हैबिट को कैसे तोड़ना चाहिए? एग्जीक्यूट करके, सिर्फ एग्जीक्यूट करके, सिर्फ हम मेरे में क्या था कि हमको लिखने लगे कि हमको कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो हम उस प्रॉब्लम को लिख रहे हैं कि अच्छा मेरा ये हर्डल मेरे बीच में आ रहा है तो हमको ये करना चाहिए। बट जब वो करने का मेन टाइम आता था तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, पोस्टपोन कर दे रहे हैं कोई चीज को, एग्जीक्यूट करो बस। और ये जो गिल्ट होता है ना स्टूडेंट के बीच में क्यों आता है, उसको लगता है ना 2 घंटा में हम एक लेक्चर कंप्लीट कर देते हैं, 2 घंटा में तो हम एक लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरा इतना बैकलॉग रखा है। बट अगर इस वे में देखें कि मेरा अभी 4 महीना बाकी है, उस 4 महीने के सामने मेरा 2 घंटा क्या है, अगर हम पढ़ने लगेंगे तो ये पॉइंट भी मेरे माइंड में उस टाइम एग्जाम देने टाइम स्ट्राइक कर सकता है, हमको हेल्प कर सकता है। बट स्टूडेंट को वो दिन भर का 2 घंटा ही दिखता है कि हम इसमें लेक्चर करने वाले थे, तो बस वो एग्जीक्यूट करके ही होगा। एग्जीक्यूट करो, रियलिटीज के टच में रहो, सीनियर्स के टच में रहो, और सिर्फ आईआईटी के सीनियर नहीं, एनआईटी, प्राइवेट कॉलेजेस, हर तरह के सीनियर्स के टच में रहो तो आपको हर तरह का पर्सपेक्टिव दिखेगा। ठीक है, तुमने बता दिया अपने डिप्रेशन के बारे में और ये जेई के बाद की कहानी। पर थोड़ा जेई के पहले की कहानी बताओ, किया क्या क्या सबसे मेजर गलतियां थी जो कि लाइक अगर तुम खुद को वापस ले सकती थी उस समय में तो तुम उन गलतियों को नहीं दोहराती? गलती तो बहुत सारा था आई वुड से, और ये चीज अवेयरनेस का कमी के कारण भी होता है, और जो स्टूडेंट घर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो टच में नहीं है, उसके कारण भी, मतलब सीनियर्स लोग के टच में नहीं है उतना। एक ये था कि हम अपने सीनियर से भी पूछे थे कि भैया हम टारगेट क्या रखें, किस कॉलेज को क्या अपना सोच करके चले, तो वो हमको कहे थे कि तुम अपना तैयारी करते जाओ, जो रैंक आएगा उस हिसाब से हो जाएगा। तो हमको ऐसा लगता है ना, एक और चीज, और हम सोचते थे पहले कि घर से जितना दूर कॉलेज हो सके उतना दूर हम कॉलेज जाएंगे, बट अभी कॉलेज आने के बाद लगता है कि घर से जितना पास हो सकता काश अच्छा होता। तो हम जब तैयारी शुरू किए थे तो हम अपना माइंड में कुछ भी नहीं रखे थे कि हमको क्या करना है, कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा, मतलब कितना मार्क्स हमको लाना है, मेरा मेरा प्रिपरेशन लेवल क्या चल रहा है। और हम अगर अपना तैयारी पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जब कॉलेज जाना रहेगा तो क्या सीन रहेगा, फाइनेंशियल क्या सीन रहेगा, 2-3 साल का तैयारी करने के बाद हमको रियलाइज होता है कि अच्छा हमको एजुकेशन लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेंगे तब हमको ही पे करना होगा। स्टूडेंट लोग को पता नहीं रहता है कि क्या हालत होने वाला है। तो एक हम पॉइंट्स में बताएंगे आपको कि जब तैयारी शुरू करो तो इंफॉर्मेशन इकट्ठा, पहले ये नहीं बोलेंगे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, नहीं, तैयारी करो, बीच में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते जाओ कि अच्छा इतना मार्क्स पे इतना रैंक बनता है, इतना मार्क्स पे इतना रैंक बनता है,
कॉलेज का इतना कट ऑफ होता है, ये सारा माइंड में अपना दिमाग में रखो, पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से हम बहुत भागते थे, रिवाइज बहुत कम, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वो कब का रखा हुआ है, मेरा बैकलॉग है तो उससे डर रहे हैं कि बैकलॉग नहीं बनाना है। फिर डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेसिंग, ओवर एनालाइजिंग, जितना भी ओवर कर कर लीजिए, हम बहुत ज्यादा किए हुए हैं, बहुत ज्यादा उस चीज में डूबे हुए हैं। एग्जीक्यूट करने का हिम्मत नहीं हो पाता था। और हम स्टूडेंट्स लोग को ब्लेम नहीं करेंगे कि वो लोग बहाना बनाते हैं, वो लोग को पता ही नहीं रहता कि इस चीज से ओवरकम कैसे करना है। हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे ना, अगर हिम्मत रख के 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1 सप्ताह, तो वो हो जाएगा। बट स्टूडेंट क्या करता है, 2 दिन नहीं फॉलो हो सका, भैया हमसे नहीं हो पा रहा है, हम कॉम्पिटिशन में पीछे हो गए। ये सब चीज नहीं करना चाहिए। मैं एग्जैक्टली सेल्फ डाउट नहीं आने देना। अगर कोई इस चीज में अभी फंसा हुआ है, कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो वो यही से सीख ले सकता है कि सब बंद करो और एग्जीक्यूट करने पे ध्यान दो। गाइडेंस से और मोटिवेशन से, ओवर मोटिवेशन ओवर गाइडेंस दैट विल रूइन यू, बट गोइंग टू एग्जीक्यूट थिंग्स वो तुमको मोटिवेट करेगा आगे करने को। पढ़ाई को हैवॉक नहीं बनाना है पूरा, कि भाई पढ़ाई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है। हम पढ़ाई हाँ कर रहे हैं और जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं और पढ़ाई पढ़ाई है मेरा, ऐसा नहीं है। पार्ट ऑफ लाइफ है, हमको मेरा रूटीन में वो पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि भाई 2 साल मेरा सिर्फ जेई का प्रिपरेशन है, नहीं, वो 2 साल मेरा लाइफ का जा रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम निकालेंगे। बस हैवॉक की तरह देखने से क्या होता है ना, कि पढ़ाई के अलावा अगर कुछ कोई भी चीज में हम फिर इंक्लूडेड हुए ना, वहां से आए, अगर हम घूम करके भी आए, तो अचानक से लगता है कि भाई अभी इतना सारा लेक्चर करना है, इतना सारा न्यूमेरिकल करना है। बट अगर वही मेरे माइंड में रहेगा रूटीन जैसा, चलो अच्छा घूम लिया, मजा भी आया, अब पढ़ाई करना है, पढ़ाई शुरू करना है, ये चीज होना चाहिए। सही बात है। मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट एवरीथिंग, राइट। तो अब थोड़ा डिस्कशन शिफ्ट करते हैं जेई पे, जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाना, नोट्स से पढ़ना, ये सब चीज़ें जो तुमको ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसे शॉर्ट नोट्स बनाना तुम्हारे लिए काम नहीं किया, नोट्स बनाना काम किया, इन सब चीज़ों पे जरा बताओ कि कहाँ कहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है फालतू तो चीज़ों करने में जिसका उतना यूटिलाइजेशन नहीं होता है। उसके अलावा अगर कोई लाइक एग्जाम्पल के बताते हैं, जैसे कि आई वुड सजेस्ट कि तुम लेक्चर देखो बस, है ना, तो अपने टीचर का लेक्चर देखो, होमवर्क करो, दैट्स इट, ये हम सजेस्ट करेंगे। दूसरे लोग कोई सजेस्ट करेगा कि बुक करो, ये करो, तो इन दोनों चीज में चूज करने में बहुत कंफ्यूजन होता है। तुम्हारे हिसाब से क्या वो चीजें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल भी, कि नहीं इसको मत करो, ये टाइम वेस्ट है। एक तो सबसे पहला बात, कि जब हम अपना जेई का प्रिपरेशन किए थे, तो अगर मेरे सामने 2 लेक्चर है, हम देखे कि अच्छा 2 घंटा का लेक्चर है, तो स्टार्टिंग में तो नहीं पता था कि कैसे नोट्स बनाना है, क्या करना है, किसी को नहीं पता रहता। तो हम लेक्चर देखे और फिर हम आधा घंटा देख रहे हैं, 1 घंटा देख लिए, भाई 1 घंटा में मेरा अभी तक 20 मिनट हुआ है, इतना स्लो कर रहे हैं। लेक्चर बंद, टेलीग्राम खुला, भैया से पूछना चालू, ठीक है, सीनियर से पूछना चालू कि मेरा तो आधा 1 घंटा में अभी 20 मिनट का ही लेक्चर हुआ, अब हम क्या करें। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से कुछ बता देगा, वो बोलेगा नोट्स ही मत उतारो, वो कहेगा सुन लो, शॉर्ट नोट बना लो, ये कर लो, वो कर लो, अपना अपना सब सजेशन देंगे। बट हमको कैसे गया, क्योंकि हम एक के बाद एक इम्परफेक्ट ही करते गए। एक लेक्चर का मेरा ढंग का नोट्स नहीं बना, दूसरे लेक्चर का थोड़ा और अच्छा से बना, तीसरे लेक्चर का और अच्छा से बना, ये चीज करते गए। और एक स्टूडेंट जैसे क्या होता है, स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं होता, तो नोट्स बनाने में ही ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि 2 घंटा में 4 घंटा में 2 घंटा का लेक्चर कम्प्लीट हो रहा है, 4 घंटा में 2 घंटा का लेक्चर कम्प्लीट हो रहा है, तो भैया हम क्या करें, क्या करें। नहीं, वो 1 सप्ताह तुम अपना 10 तरह का स्ट्रेटेजी लगाओ, फिल्टर आउट करो, समझ आ जाएगा। सामने वाला बताएगा, तुम पे अप्लाई नहीं होगा, तुम सोचेगा भैया बताए, हमसे हुआ नहीं, हम कंपटीशन के लायक नहीं है। तुमको खुद से ही करना पड़ेगा सारा, तुमको मतलब बहुत कम डिपेंडेंट रहो यूट्यूब पे या गूगल के सॉल्यूशंस पे या भैया लोग पे, बहुत कम डिपेंडेंट रहो। डाउट आने पे पूछो पहले, नहीं कि हम घबरा गए भैया ऐसा करना चाहते हैं हम, इसमें हम क्या करें, नहीं, हम शुरू कर दिए, उसके बाद पूछो कि भैया इसमें हमको दिक्कत हो रहा है।